राहुल सिन्हा, आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। और पहली बड़ी खबर यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंत्री पद के साथ ही जेएमएम के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से आज ही रांची लौटे चंपाई सोरेन ने पद छोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखा है। शिबू सोरेन को भेजे अपने त्याग पत्र में चंपाई सोरेन ने लिखा कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूं। उन्होंने लिखा कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों और गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है। चंपाई सोरेन ने आगे लिखा कि जेएमएम मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये कठिन निर्णय लेना पड़ा। अपने पत्र में चंपाई सोरेन ने यह भी लिखा कि आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं और आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां हम अपने मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे। अब चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदन, राहें तो पहले ही जुदा हो गई थी लेकिन ऑफिशियली अब अलगाव हो गया है, रेजिग्नेशन दे दिया है चंपाई सोरेन ने, क्या इसको लेकर हलचल है, क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया है लोगों की? देखिए, चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर और संस्थापक नेताओं में से रहे हैं। शिबू सोरेन जी के बाद पार्टी में सबसे वरिष्ठ नेताओं में चंपाई सोरेन की गिनती होती रही है और संस्थापक में लंबा समय इनका आंदोलन का रहा है, संघर्ष का रहा है। और हाल के दिनों में जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को हवाला देते हुए, उन परिस्थितियों को सामने रखते हुए चंपाई सोरेन ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का, कह सकते हैं कि जो मन बनाया है वो 30 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज ही दिल्ली से वो लौटे हैं चंपाई सोरेन और आज ही उन्होंने पार्टी के यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। और उन्होंने जो त्याग पत्र की चिट्ठी लिखी है वो शिबू सोरेन के नाम लिखी है। शिबू सोरेन झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसीलिए उन्होंने अपना त्याग पत्र सीधे शिबू सोरेन जी को लिखा है, भेजा है। उन्होंने पत्र में भावनात्मक तौर पे अपनी बातों को रखी है और उन्होंने ये भी लिखा है और वो बार बार इस बात को इंगित करते रहे कि शिबू सोरेन जी हाल के दिनों में अस्वस्थ रहते हैं, ऐसे में जो सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी में वो शिबू सोरेन के बाद खुद सबसे सीनियर नेता थे तो किस फोरम पे कहां बात रखते, यानी कि कई चीजों को उन्होंने आधार बनाया है और इसको लेकर ही उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब 30 तारीख को अपने समर्थकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 3 बजे के करीब 30 तारीख को रांची में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसके बाद अगले सप्ताह में ही उनके क्षेत्र, गृह क्षेत्र कोल्हान सरायकेला में बहुत संभव है कि एक बड़ा कार्यक्रम हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता वहां उस कार्यक्रम में भी शामिल हों, इसकी चर्चा है। आधिकारिक तौर पे इस पे मुहर नहीं लग पाई है लेकिन इस बात की संभावना बहुत तेज है। तो चंपाई सोरेन ने अब कह सकते हैं कि जो अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी बाकी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, अपनी बातों को लिख दी है भावनात्मक तौर पर। चंदन, ये औपचारिकता ही सिर्फ रह गई थी क्योंकि अब ये है कि अब औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया तो अब खुलकर एक दूसरे पर वार पलटवार होगा क्योंकि अभी तक झामुमो के नेता, जो जेएमएम के नेता हैं, वो काफी संतुलित बयान दे रहे थे। अब शायद खुलकर हमला बोलेंगे चंपाई सोरेन को क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन एक चीज और है कि चंपाई सोरेन के इस पत्र में सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ये भी इंडिकेट मैसेज दे दिया है कहीं ना कहीं शिबू सोरेन को कि पार्टी आप चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इसलिए पार्टी गड़बड़ हो रही है, डिरेल हो रही है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है।
देखिए इस बात को वो लगातार हाल जब से उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया है वो इस बात को बताते और इशारों इशारों में तब तक अपनी बातों को करते रहे थे कि पार्टी अपनी विचारधारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी और जो शिबू सोरेन जी की विचारधारा थी जो जिस आधार पे पार्टी बनी थी कहीं ना कहीं उस पर कायम नहीं है। वो लगातार इस बात को इंगित कर रहे थे और अपने पत्र में भी उन्होंने लिखा है। और चूंकि चुनावी वक्त में वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दिया है तो स्वाभाविक है कि अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत खुलकर होगी। चंपई सोरेन के कंधे पर से ही भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों के जरिए हेमंत सोरेन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी जिन मुद्दों के जरिए जेएमएम असहज होती रही है और उन तमाम मुद्दों को उठाएगी। लेकिन हाँ चंपई सोरेन इस पूरे प्रकरण में एक चीज जरूर उसका ध्यान वो रखेंगे कि शिबू सोरेन पे निशाना नहीं साधेंगे। वो शिबू सोरेन पे आरोप से हमले से वो पूरी तरह से बचने की कोशिश करेंगे पार्टी पे राज्य सरकार पे और बहुत संभव है कि हेमंत सोरेन जी भी निशाना साधें लेकिन शिबू सोरेन पे निशाना साधने से परहेज करते रहेंगे वो। अच्छा आपने कहा कि शिबू सोरेन पे वो निशाना नहीं साधेंगे जेएमएम की तरफ से क्या होगा क्योंकि आप देखिए इससे पहले सीता सोरेन ने जब पार्टी छोड़ी थी तब जेएमएम के किसी नेता ने बहुत खुलकर उन पर हमला इसलिए नहीं बोला कि वो परिवार का मामला था और इसलिए वहां पर भी चुप्पी रही। अब चंपाई सोरेन जो है वो परिवार का मामला भले ही नहीं है लेकिन फिर भी वो चूंकि संस्थापक सदस्य रहे हैं जेएमएम के तो इसलिए उन पर क्या हमला खुलकर बोला जाएगा या फिर उस पर भी जेएमएम कहीं संतुलन बैलेंस बनाकर चलेगी। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से संतुलन बनाने की कोशिश होगी और जिस तरह से वार होगा उसके अनुरूप पार्टी के जो बाकी प्रवक्ता सरीखे नेता हैं वो पलटवार जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत संभव है कि हेमंत सोरेन जी के स्तर पे अब बहुत ज्यादा अटैकिंग मुद्रा न देखने को मिले लेकिन चूंकि राजनीति है और जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है तो कई बार आक्रामकता इस कदर जाती है कि बयानों के बोल जो है वो सीमाओं को लांघते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये देखना होगा कि चंपई सोरेन जी अब किस तरह से इस सरकार को या फिर कहें अपनी ही सरकार को जिसमें वो लगभग 4.5 साल से ज्यादा वक्त तक मंत्री भी रहे मुख्यमंत्री भी रहे और अब जबकि चुनावी समय है चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के लिए गोटी सेट करती है या फिर यूं कहें कि चंपई सोरेन के जरिए क्योंकि कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें हैं और 14 विधानसभा की सीटें मायने रखती है क्योंकि फिलहाल बीजेपी का कोल्हान में सूपरा साफ है 14 में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस पर कब्जा है एक सीट निर्दलीय है बाकी कांग्रेस और झामुमो का कब्जा है तो इन 14 सीटों के जरिए बीजेपी सत्ता की सीढ़ी को साधने की कोशिश करेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि चूंकि चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता रहे हैं उनकी पहचान आंदोलनकारी नेता के तौर पे रही है तो उनके जरिए जब वो इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कई सीटों पे चंपई सोरेन असर डालते हुए नजर आएंगे। कितना चंपई सोरेन असर डाल पाएंगे ये वक्त बताएगा चुनाव होगा तब चीजें स्पष्ट होंगी लेकिन बीजेपी को यही लगता है कि चंपई सोरेन एक वैसे नेता उनके हाथ लग गए हैं जिनके जरिए कोल्हान की सीटों को या कोल्हान की विसात को जो है वो सेट किया जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंपाई सोरेन ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सभी पदों का मतलब कि वो अब मंत्री पद या फिर पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पर हर मामले में उन्होंने पार्टी से अपनी राय